ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह षड्यंत्र पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन इस षड्यंत्र का प्रमाण पूरे देश के सामने आज आ गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की बेल की हियरिंग थी। उस बेल की हियरिंग में भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके बोला कि हमें इस मामले में एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए, आज हियरिंग मत करिए, हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हमें 2 हफ्ते का समय दीजिए, हमें एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता, जब वहां पे सीबीआई का वकील खड़े होके बोलते हैं, केंद्र सरकार की सीबीआई बोलती है कि हमें समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समय दिया और 2 हफ्ते बाद की तारीख अरविंद केजरीवाल जी के केस की लगा दी। लेकिन आज जिस एफिडेविट पर सीबीआई ने कहा कि हमें फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, आज वो एफिडेविट दिल्ली के देश के हर अखबार में छपा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो एफिडेविट सीबीआई कह रही थी कि हमने तैयार नहीं किया, हमें तैयारी के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, तो वो आज देश के हर अखबार में कैसे छप गया? इसका मतलब है एफिडेविट तैयार था। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया। इसका मतलब है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और जेल में रचने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और यह कोई आज की बात नहीं है, पिछले 2 साल से लगातार आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। सभी नेताओं के खिलाफ रेड हो गई, सभी नेताओं को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और गवाहों को धमकाया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देने के लिए। इतनी रेड्स के बाद भी 1 रुपया भ्रष्टाचार का नहीं मिला, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की रफ्तार नहीं रुकी, तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया झूठे मुकदमे में। और आप इस षड्यंत्र को देखिए, साफ साफ भाजपा का षड्यंत्र नजर आता है, साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलती है, ट्रायल कोर्ट से बेल मिलती है, पीएमएलए वाले मामले में बेल मिलती है, ईडी वाले मामले में बेल मिलती है। उस ऑर्डर के अपलोड होने से पहले ही ईडी 21 जून की सुबह हाईकोर्ट पहुंच जाती है और ऑर्डर आए बिना उस ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बेल को स्टे करा देती है 21 जून को। 22 जून को अरविंद केजरीवाल जी और उनके वकील हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं स्टे को हटवाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से हर इंसान को न्याय मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि उनको जब पता चल जाता है कि ईडी के केस में तो बेल मिल गई, तो वो 26 जून को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से अरेस्ट करवा लेते हैं कि वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ सके। तो जब 11 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से भी ईडी के मामले में बेल मिल जाती है, फिर भी आज 24 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल जी षड्यंत्र की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पाए। जब अरविंद केजरीवाल जी का यह मामला, सीबीआई की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है,
सीबीआई को 2 हफ्ते मिलते हैं उनको जवाब फाइल करने को दिया जाता है, तो कल कोर्ट में सीबीआई आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमें और समय चाहिए। ये अखबार इस बात को साबित कर देते हैं कि सीबीआई को समय नहीं चाहिए था। सीबीआई अपना एफिडेविट अखबार में दे सकती है, मीडिया को रिलीज कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकती, क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल को लंबे से लंबे समय तक जेल में रखना है। और ये पहली बार नहीं है, जब मनीष सिसोदिया जी का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा तो इन्होंने बिल्कुल वही चीज करी। 15 जुलाई को हियरिंग थी मनीष सिसोदिया जी को। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई आके सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हमें और समय चाहिए, हम जवाब नहीं फाइल कर पाए हैं, और उसी वजह से 15 जुलाई की हियरिंग 29 जुलाई तक पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जीत आखिरकार सच्चाई की होती है, जीत आखिरकार सच की होती है, जीत आखिरकार सत्य की होती है। हमने मनीष सिसोदिया जी के केस में भी देखा कि ईडी की तमाम कोशिशों के बावजूद, सीबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और हमें इस बात का भी भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द दिल्ली वालों के बीच में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का हर षड्यंत्र जो वो सीबीआई के माध्यम से रच रही है, ईडी के माध्यम से रच रही है, हर षड्यंत्र उनका फेल होगा। थैंक यू।